जेके यू टी सेवन जेके यू टी सेवन के माध्यम से आपको संडे के दिन पांच खबरें जो हैं जेके यू टी सेवन पे आपको मिलने जा रही हैं सबसे पहले चलो ख़बर की रुख करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोहाई धार में वार्ड नंबर छः में तीन दिनों से टूर्नामेंट जो है क्रिकेट का वो लोहाई धार में चल रहा है दूसरी खबर सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि लोहाई धार ही में ही सेंटर का जो बच्चों का सेंटर जो है सीडीपीओ का सेंटर जो है उसमें बच्चों को जो सामान है वो टाइम का यहाँ पे नहीं मिल रहा है तीसरी खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं कि लोहाई मल्हार के अंदर जो यहाँ के जो पी वाई की तरफ से रोड बना था और कई सालों से वो रोड बना है और उस रोड में जिनकी जगह ज़मीन जो है वो इसमें रोड में आई है और रोड के आने की वजह से उनका जो मुआवजा जो है वो आज तक उनको लोगों को नहीं मिला है तीसरी खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ कि लोहाई मल्हार के अंदर जो सीडीपीओ का दफ्तर है वो कई सालों से बंद है और वो 26 जनवरी और पंद्रह अगस्त के दिन आते हैं और उसी टाइम तुरंत वो अपना बैग उठाकर वापस चला जाते हैं पांचवी ख़बर के लिए रुख करते हैं कि लोहई मल्हार के अंदर यहाँ पे जो हाड़ी कल्चर का बीज वगैरह जो होता है और वो इन लोगों को टाइम से नहीं मिल रहा है ना बीज मिलता है ना याल मिलता है ना खाद मिलती है इन लोगों को और ये इन चीज़ों से महरूम है तो ख़ास करके मैं आई अब आपको आपको तफसील जो है वो बताने जा रहा हूँ कि इन खबरें जो हैं आपको संडे के दिन पांच खबरें जो हैं वो जे के यू टी सेवन के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी आप देखते रहिए जे के यू टी सेवन मोहम्मद रफ़ी के साथ ये देखिए मैं बच्चों के आपको आधार कार्ड भी बताऊंगा ये पूरा प्रूफ है इन सी के लिए कि जब हमारे बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो जब सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ मनाही करते हैं ये हैं बच्चे का बच्ची का आधार कार्ड मैं आपको बच्चों के आधार कार्ड बताऊंगा कि इन ये रजिस्टर हैं या नहीं है ये देखिए ये मैं दूसरे बच्चे का आधार कार्ड भी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बच्चे भी सामने हैं और मैं आपको पूरा तफस ये है सीडीपीओ दफ्तर का हाल और यहाँ के आंगनवाड़ी वर्करों का हाल जो वार्ड नंबर छः धार में है